वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लेसन 5। देखिए इससे मल्टीपल चॉइस तो बहुत ज़्यादा रहता है और कुछ आउटस्टैंडिंग अलग अलग प्रकार का होता है। आपको क्वेश्चन आपसे बन जाएगा लेकिन एक शर्त रहता है, उसमें रहता है क्या कि क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। आपको कोई समझा दे अगर तो एग्जाम में क्वेश्चन आसानी से बन सकता है, लेकिन वहाँ समझाएगा कौन। इसीलिए हर एक क्वेश्चन को आप बढ़िया से देखिएगा, आपको रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त लाना है ये अपने दिमाग में रखिएगा। कोई बहाना नहीं करना है। देखिए कुछ ना करने का तो हजार बहाना है, कुछ करने का एक बहाना सोच के देखिए। वादा है आपसे पूरी दुनिया आपकी होगी और उस दुनिया के राजा आप होंगे, ये दिमाग में बैठा लीजिए। तो यहाँ हम बात करते हैं समानांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। आखिर ये क्या कह रहा है समानांतर श्रेणी। श्रेणी माने होता है सजा हुआ। क्या होता है सजा? अगर लाइन से वो सज करके गया है, जैसे देखिए तो 2, 4, 6, 8 ये वाला नंबर, और उसके बाद से 2, 3, 5, 6, 12, 15 बताइए ये दोनों में कौन सजा हुआ है? ये सजा हुआ है नंबर, ये नहीं सजा है। यहाँ पे 2 के बाद 3 है, 3 के बाद देखो 4 छोड़ के 5 लिखा है। तो जब ये सब इस टाइप के नंबर को समानांतर श्रेणी नहीं कहते हैं, ठीक है। ये नंबर समानांतर श्रेणी है यानी बीच का अंतर बराबर होना चाहिए। ये दोनों के बीच का अंतर 2 ओ का है, जब 2 में 2 जोड़ोगे तो 4 आएगा, यहाँ फिर 2 ओ का अंतर, सब में कितना कितना का गैपिंग है, तो गैपिंग 2 2 का 2 2 नंबर का है। तो ऐसे नंबर को कहते हैं समानांतर श्रेणी यानी अर्थमैटिक प्रोग्रेशन। आप समझ रहे हैं कि अर्थमैटिक प्रोग्रेशन आपको क्वेश्चन दे देगा, आप पूछेगा इनमें से बताइए कि कौन एपी है। तो अगर बीच का गैपिंग समान हो गया यानी कि बीच में अगर सब अंतर बराबर हो गया तो वही हो जाता है क्या समानांतर। समानांतर माने क्या हो गया? अंतर समान होना चाहिए। अंतर बीच का क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं यानी एपी कहते हैं। तो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कहते हैं समानांतर श्रेणी। ये वाला एपी नहीं है क्योंकि बीच का अंतर देखो उठपटांग सा है, यहाँ 1 ओ का गैपिंग है। देखो 2 से 3 गया है तो 1 जुट के गया है, यहाँ 2 जुट के गया है, 3 और 2 5, 5 में 1 जुटा है, तो इस हिसाब से ये एपी नहीं है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए कभी कभी नंबर में क्या करता है एपी में, कहाँ कहाँ मिस्टेक आपसे होगा, ध्यान से सुनिएगा। ये आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा मल्टीपल चॉइस इसमें से भी रहता है, समझिएगा इसको। यहाँ पे हम लिख देते हैं अब 1 या फिर 2 ही लिखते हैं, 2, 4, 6, 8 ऐसे कर देगा, ठीक है। अब ऐसे करके ही हमारा लिख दिया आपको 40, ऐसे दे देगा, कह रहा है कि ये एगो एपी है। क्या है? एक एपी है, ठीक है भाई, सही बात है। 2 के बाद 4 है, 4 के बाद बराबर गैपिंग है, दोनों में 2 2 का गैपिंग है, तो ये क्या हो गया? 2 का गैपिंग है, तो ये एपी है, ये बात सही है। अब कहेगा कि हाई तो 1 नंबर पे 2 दिया है, यहाँ 2 नंबर पे है 3 4 ऐसे, ठीक है। तो बताओ कि 40 कौन नंबर पे है? जैसे ये हो गया 1 नंबर पे, ये हो गया 2 नंबर पे, ये आपका हो गया 3 नंबर पे, 1 2 3 ये हो गया 4 नंबर पे। तो इसी तरह ये कितना नंबर पे 40 आएगा? तो ये छोटा नंबर है तो कह सकते हैं कि सर ये कहीं 20 नंबर पे आ जाए, ऐसे आप मन में कैलकुलेट करके कर सकते हैं। लेकिन हमको अगर 5000, 6000, 8000, 10000 अगर बीच का अंतर कुछ अलग दे दो तो फंस सकते हैं हम लोग। तो बताइए यहाँ 1 नंबर है 2 नंबर है 3 नंबर है 4 नंबर है। तो करते क्या है कि पहला वाला नंबर को हम लोग ए कहते हैं, दूसरा वाला नंबर भी ए है, लेकिन ये 1 नंबर का है तो A1, A2, A3, A4 इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। आप बताइए कि ये जब A1 इतना है, A2 है, A3 है और A4 है, तो ये भी कुछ होगा ना, A20 चाहे A25, लेकिन पते ना है कि क्या है। तो इसको मान लीजिए कि ये AN है, ये क्या है? AN है। तो ये पूरा AN का वैल्यू कितना है? 40। इसमें निकालना किसका वैल्यू है? N का मान निकालना है। उसके लिए फॉर्मूला एक होता है, इधर लिख दे रहा है फिर वो बताते हैं। AN बराबर A+N-1 × D, हमको N निकालना है कि N कितना नंबर पे आएगा। पूरा AN दिया है कि 40 नंबर पे आएगा। एक चीज़ सुनिए, ये आप समझ गए होंगे। आप बताइए कि ये 2 है 2 के बाद 4 है, 4 कैसे आया है? यानी कि बीचवा का अंतरवा जोड़ दिए हैं, यानी जो भी बीच का अंतर है 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। वैसे ही 4 और 2 जोड़े हैं तो 6, वैसे ही ये दो भी जो भी बीच का गैपिंग है उसको जोड़ने पर क्या आ जाता है? आगे वाला नंबर। तो बताइए ना, 8 में 2 जोड़िए, अब सबका गैपिंग बराबर ना होगा। एपी किसे कहते हैं? सबका गैपिंग बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 8 2 आगे वाला 10 हो जाएगा, फिर 12 14 ऐसे हो जाएगा। अब देखिए जो बीच का गैपिंग है ना, इसको एक नाम देते हैं, 2 का गैपिंग है, इस किसी भी नंबर में
ठीक है, दो है, आठ है, उसके बाद ये छः जुटा है ना, तो इसमें छः और जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, चौदह हो जाएगा। तो ये किसी भी बीच के गैपिंग को तो गैपिंग नहीं कहते हैं, वो तो समझाने के लिए बोल रहे हैं कि बीच में कितना का गैप है, कितना खाली है। जो भी गैपिंग दो दो को खाली है इसमें, ठीक है, तो इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। इसको डी द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है, यानी डी बराबर कितना हो गया, डिफरेंस इसका कितना है, दो का है। ये दोनों में दो का अंतर है, इसमें दो में दो जुड़ेगा तब ना चार मिलेगा, ठीक है। तो इस गैपिंग को हम लोग बोलते हैं डी। पहला वाला नंबर को बोलते हैं ए, आप ए बराबर दो। आप बताइए कि अगला वाला नंबर अगर चाहिए, दो नंबर वाला ए टू है ना, ए वन इसको बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, ए टू। तो क्या करते हैं इसके लिए, इस ए में डी को जोड़ते हैं। ए में किसको जोड़ते हैं, डी को। ए था दो प्लस डी था दो, तो दो और दो कितना हो गया, चार हो गया। तो ए दो नंबर पे चार है कि नहीं, ये ए थ्री अगर निकालना हो, ए थ्री, तो जब ए थ्री निकालना हो तो ये दोनों को जोड़ेंगे, तो ए टू में, ए टू में डी जोड़ देंगे, ठीक है, तब वो निकल जाएगा। आ नहीं तो एक और उपाय, यहां थ्री है ना, तो ए प्लस टू डी कर दो। क्या कर दो, ए प्लस टू डी। जब ए हो जाएगा आपका दो प्लस टू, और डी का मान दो है ही, तो दो और ये हो जाएगा दो दो ना चार, चार दो कितना हो गया, छ निकला कि नहीं यहाँ पे, छ, ठीक है। यानी कि एक तरह से हम लोग और निकाल सकते हैं क्या, ए वन तो ये ए है ही, अगर ये निकालना हो तो ए में डी जोड़ना पड़ेगा, अगर ए थ्री निकालना हो तो ए में टू डी जोड़िएगा। अब यहाँ ट्रिक समझिए क्या है, यहाँ थ्री है, क्या है यहाँ पे, थ्री, तो टू डी लिखे हैं, तो जब ये एट है यहाँ पे, तो ये चार नंबर पे है ना, ए फोर, तो यहाँ लिखना ए प्लस थ्री डी, जो चार है तो ये को घटा के डी लिख देना है। अगर आपसे पूछ दे यहाँ पे दस यहाँ पे नंबर है, क्या नाम, कौन नंबर पे है, तो ए फाइव है, पांच नंबर पे है, कितना नंबर पे, ये पांच नंबर पे, तो यहाँ फोर डी लिखना पड़ेगा, ए के साथ क्या लिखना पड़ेगा, फोर डी। अगर मान लीजिए कि आपको दो सौ नंबर पे बोल दे, ठीक है, तो दो सौ नंबर पे तो यहाँ लिखिएगा ए प्लस एक सौ निन्यानवे, ए को घटा के लिख देना है, निन्यानवे डी। कब, जब आपको ए पहला वाला पता हो और बीच का डी पता हो, तब। यहाँ देख सकते हैं कि ए बराबर तो दो है, यहाँ देखिए ए का मान दो और प्लस डी कितना है, डी बराबर दो, दो और दो कितना हो गया, चार। यहाँ देखिए ए प्लस टू, ए कितना है, दो है, और डी का मान है दो, तो हो जाएगा दो प्लस दो दो ना चार, चार दो छ, छ आया है कि नहीं यहाँ पे, छ आया है, ठीक है। ये वाला निकालना है ए फोर, ठीक है, तो ए फोर निकालना है तो क्या कीजिएगा, दो प्लस थ्री इंटू टू, तीन दो ना छ दो आठ, ए फोर आठ है कि नहीं। आपको फॉर्मूला एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर ए सेवन निकालना है तो निकालना है तो ए प्लस सिक्स डी लिखना पड़ेगा, तब जाके यहाँ सेवन नंबर पे वो निकल जाएगा। अगर निकालना है तो देखिए ना, ए कितना है, दो है, प्लस सिक्स इंटू डी कितना है, डी बोलते हैं बीच के अंतर को, ठीक है, तो दो है, ये हो जाएगा छः दो ना बारह दो चौदह, यानी ए सात नंबर पे क्या आएगा, चौदह आएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा कि ये वाला निकालने के लिए ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब यहां समझिएगा फिर से, समानांतर श्रेणी में आपको दे देगा यही दो, ऐसे देगा तीन छ नौ बारह, ठीक है, यहां मान लो कि दे दिया आपको ट्वेंटी सेवन, ठीक। अब बोल देगा कि बताइए कि भाई तो एक नंबर पे है तो ए वन लिख देंगे, ये दो नंबर पे है, ये तीन नंबर पे है, ये चार नंबर पे, तो बताइए कि ये वाला कितना नंबर पे है, ये तो पता ना है, तो नहीं पता है तो एन मान लेंगे, ये पूरा ए एन दिया है सत्ताईस, लेकिन पता करना है एन ये यहाँ पे कितना लिखेंगे कि कौन नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला हमको ए दिया है तीन, दूसरा एक डी निकाले जिसको सार्व अंतर, सार्व अंतर का मतलब होता है सभी का अंतर, तो कितना का गैपिंग है, बीच में कितना का गैप है, तो छः में से तीन आगे वाला में से ऐसे घटा लो, छः में से तीन जब घटाओगे तो कितना होगा, तीन होगा, यानी कि छः माइनस तीन तीन है, ये भी गैपिंग, नौ में से छः घटाओगे तीन, सब में तीन तीन का अंतर है, तो इसी को कहते हैं डी, गैपिंग को क्या कहते हैं, डी। ए भी पता हो गया, डी भी पता हो गया, ए को पता है हमको ए एन, ए एन है सत्ताईस, लेकिन ये पता नहीं कि कितना नंबर पे है, नहीं तो यहाँ अगर 20 नंबर पर होता तो 20 लिखते हैं कि ए 20 नंबर पे है, लेकिन देखते हैं एन निकालना, एक फॉर्मूला होता है नंबर निकालने का, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है, 27 दिया है, लेकिन ये नहीं पता है बेचारा कितना नंबर पर है, ए कितना दिया है, पहला वाला नंबर ए है यानी कि तीन है, अब प्लस एन ए तो निकालना है, छोड़ दो,
दोनों का अंतर, डी किसको कहते हैं, बीच के गैपिंग वहां को, तो तीन गो का गैपिंग है। यहां हो जाएगा 27 इज इक्वल टू 3 प्लस, तीन में एन से गुणा करोगे तो 3n, तीन में एक से तो तीन, ठीक है, ये तीन से तीन खत्म हो गया, 27 बराबर हो जाएगा 3n बचा, 3 × 27, n बराबर कितना बचा, 9, यानी कि ए एन, ये क्या लिखा है ए एन, तो n का मान 9 आया, यानी यहाँ 9 भरेंगे तो ये 9 नंबर पे आता है। तो देखो ना, जब 3 का 3, 3 दूना 6, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो, 3 त्रिका 9, 3 तो 3 × 27 नहीं होगा, तो इसी तरह से निकाला जाता है। तो इसका एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए, यही होता है। आपसे पूछा जाएगा सार्व अंतर किसे कहते हैं, तो वही सभी के अंतर को क्या कहते हैं, सार्व अंतर। तो ये कहीं को निकाल लीजिएगा तो पता चल जाएगा। आपसे कभी कभी पूछेगा बताइए कौन एपी है, तो कम से कम 2 को घटाइएगा इसमें से, कि सबका अंतर बराबर अगर आ गया तो समझ जाएगा वो एपी है, अगर नहीं आया तो एपी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, अगर आया है तो हम लोग लेट क्यों करें, तो हम लोग बिना देर की एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को मजेदार तरीके से समझिएगा, एकदम आसान है, एपी समझ चुके हैं तो एकदम आसान है। पहचानने का तरीका एपी क्या है बाबू, बीच का अंतर अगर समान है, बीच का गैपिंग समान है, समझिए वो एपी है। यहां कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से, बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखे हैं यहां पर, स्थितियों में समान संख्याओं, यानी कि लिखा है यहां पर कि सूची है क्यों, यहां पर आपको देखना है यही। अब बोल रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया किराया है और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये किराया है। अब यहाँ गौर से समझिएगा, कह रहा है क्वेश्चन कि आप कहीं जा रहे हैं तो 1 किलोमीटर अगर जा रहे हैं ना, मतलब कुछ प्रथम किलोमीटर जा रहे हैं, तो आपको मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ 1 किलोमीटर गए, कितना दूर गया, 1 किलोमीटर, तो 15 रुपया किराया है, कितना रुपया किराया है, 15 रुपया, यानी 15 से शुरू हो रहा है, उसके बाद से अतिरिक्त किराया कितना है तो 8 रुपया है, यानी अतिरिक्त किलोमीटर। अब यहाँ से कहीं जाइए कितना भी दूर, यहाँ से यहाँ जाइए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो 8-8 रुपया बढ़ते जाएगा, रुपया बढ़ते जाएगा, 8 रुपया यहाँ बढ़ेगा, 8 रुपया। तो बताइए यहाँ पे यही एक एपी तैयार कर देना है, वो एपी है तो क्यों है, ठीक है। आप बताइए कि स्टार्टिंग में आपका 15 रुपया था, फिर यहाँ से यहाँ कहीं भी अतिरिक्त मतलब होता है अलग से कहीं भी जाएगा तो मात्र 8-8 रुपया बढ़ेगा, कितना रुपया बढ़ेगा, हर 1 किलोमीटर पर आपका कितना बढ़ेगा, 8-8 रुपया बढ़ेगा। तो 8-8 रुपया जब बढ़ेगा तो यहाँ से यहाँ गए तो फिर इसमें कितना, 15 में फिर 8 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, फिर उसके बाद से यहाँ गए आप तो फिर 15 में 8 रुपया और 8 रुपया, 2 × 8 रुपया हो गया, यहाँ से 15, 8, 8, फिर अगर यहाँ से यहाँ गए तो फिर 8 रुपया एक्स्ट्रा लगा, फिर 8 रुपया और जोड़ दीजिए, 15 + 8 + 8 + 8, यानी कि स्टार्टिंग में तो 15 रुपया लगेगा लेकिन अगर आगे बढ़ते जाएगा तो 8-8 रुपया ज्यादा लग रहा है, तो ये हो गया 15, और ये 15 और 8 कितना होता है, 23 होता है, ठीक है। 15, 8, 8, 16, 16 और 15 कितना होता है, तो 31 होता है, ठीक है। ये 8, 8, 16, 8, 3 का 24 और 15, ये 9 हो जाएगा, ये 3, 39 होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक तरीका से ये एपी ही बन रहा है, ठीक है, 15, 8, 31, 39, एपी कैसे बन रहा है, जब ये दोनों को घटाइएगा तो 8 मिलेगा, बीच का अंतर 8 है, ये दोनों के बीच का अंतर 8 है, क्योंकि 8-8 जोड़े हैं, ये दोनों के बीच का अंतर 8 है, यानी सब के बीच का अंतर 8 है। अब कहीं भी जाइएगा तो 8-8 रुपया बढ़ेगा, इसका मतलब आप बताए थे हम कि अगर बीच का अंतर समान हो तो उसे समानांतर कहते हैं, समानांतर श्रेणी, यानी कि एपी, अर्थमैटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो यहां लिख सकते हैं, ठीक है, कि माना कि, या फिर लिख सकते हैं प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपया है, अतिरिक्त किराया कितना है, 8 रुपया है। अब जब अतिरिक्त किराया 8 रुपया है तो यहाँ एपी क्या हो जाएगा, एपी 8-8 रुपया बढ़ेगा, पहले तो होगा पहला का 15 रुपया, अब 8-8 रुपया जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 23, फिर 8 रुपया जोड़ोगे तो 31, फिर 8 रुपया जोड़ोगे तो 39, ऐसे ही 8-8 रुपया जोड़ करके बहुत सारा किराया लग जाएगा, ठीक है। तो बोला है कि क्या गारंटी है कि ये एपी है, तो लिखिएगा इस सभी संख्याओं के बीच का अंतर समान है,
इसलिए यह क्या है एपी है, मतलब कि समांतर श्रेणी है, हो गया। अब आपको चेक भी करना है तो यहाँ लिख सकते हैं, पहला वाला ए है तो 15, यहाँ देखिए तो ए टू कितना हो जाएगा, तो 23 में से ये घटा सकते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए डी बराबर लिखिए, डी बराबर हो जाएगा 23 माइनस 15 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर इसको भी घटेगा तो 8, इसको भी घटेगा तो 8, इस हिसाब से आपका यही आंसर हो जाएगा। तो लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, बहुत ही आसान था, ठीक है। बिना देर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ दो नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सिर्फ पहचानना है, एपी तैयार कर देना है कि ये एपी है कि नहीं, कुछ है नहीं इसमें। कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, मान लो कि ये बेलन टाइप का एक फिगर है, ठीक, इसमें कुछ हवा रखा गया है, कितना है कुछ हवा इसमें मान लो, और यहाँ पे जबकि वायु निकालने वाला एक पंप है, इसे बार बार देखो किसी भी खाली चीज में हवा तो कुछ नहीं रहेगा तो हवा रहेगा, तो इसमें एगो हवा निकालने वाला मशीन है, हर बार डाल रहा है तो 1/4 हवा निकाल रहा है, 1/4 का मतलब मान लीजिए कुछ देर के लिए कि इसमें 1 लीटर हवा है, कितना लीटर है 1 लीटर, और 1 बार डाले तो इसमें से 1/4 निकाल दे, और मत कहिए कि ये ज़्यादा है, 1/4 का मतलब होता है यहाँ पे कि 1 लीटर को 4 जगह तोड़िए, उसमें से 1 हिस्सा निकाल लीजिए, मान लीजिए कि 1 लीटर हवा है, इसको 4 जगह तोड़ के पहला वाला अगर निकाल लेते हैं इतना हवा, तो इसी को बोलते हैं 1/4 निकल गया, ठीक है। 4 हिस्सा में से 1 हिस्सा क्या कर लिए, निकाल लिए, इस पूरा में से 4 हिस्सा तोड़ दो इतना निकाल लिए, तो इसी को बोलते हैं 1/4 निकाल लिए, यानी कि पूरा 4 हिस्सा था उसमें से कितना निकाल लिए 1 हिस्सा। तो जब 1 हिस्सा निकाल लिए तो 3 हिस्सा बचेगा कि नहीं, ठीक है, तो जब इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा, 3 हिस्सा, यानी 4 हिस्सा था उसमें से कितना हिस्सा बचेगा, 3 हिस्सा ना बचेगा, ठीक है। तो बट्टा का घटाव भी कीजिएगा तो उतना ही आएगा, पहले यहाँ लिखिएगा, माना कि वायु की मात्रा 1 लीटर या 1 ले लीजिए, ठीक है, हवा कितना निकाला गया है, निकाली गई हवा 1/4, तो जब 1 लीटर में से इतना हटाएंगे तो 3/4 पहला बार में, फिर दूसरा बार पंप डाले, अब आपके पास हवा बच गया है 3/4, फिर दूसरी बार जब दूसरी बार निकाले हैं कितना निकाली गई हवा 3/4 बचा, इसमें से फिर 1/4 निकाले हैं, तो 1/4 ऐसे पहले पता कर लीजिए 1/4 का मतलब होता क्या है, तो गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 3 × 4 = 16। अब बताइए कि आप जब 1/4 यानी इतना हवा निकाले हैं, आपके पास 3/4 पूरा हवा है, ठीक है, उसमें से 1/4 इसका 1/4 निकाले हैं, ठीक है, हम पता किए कि 1/4 माने होता क्या है, तो 3/16 निकला है, इसमें से 3/16 जब 16 निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा 16, 4 × 16 भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 4 × 3 = 12 माइनस 3, 12 में से 3 घटाएगा कितना होगा 9/16, इतना ही रहने दीजिए, ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। पहली बार में हवा कितना था 1 लीटर, जब निकाले तो हो गया 3/4, फिर निकाले तो हो गया 3/16, फिर निकाले तो हो गया 9/16, ठीक है, ऐसे ही निकलते गया। अब बताइए पूछ रहा है कि ये एपी है कि नहीं, तो जब इसको आप घटाइएगा, घटा के एक बार खुद चेक कर लीजिए, बट्टा का घटाव है 3/4 में से 1, ये कभी भी सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाले को घटाएंगे आप, ठीक है, यानी ये ए टू में से ए वन घटाइएगा तब जाके डी निकलता है, ए टू में से ए वन को घटाने पर क्या निकलता है डी, तो जब इसको घटाइएगा तो बचेगा कितना 4, ये 3 − 4 हो जाएगा माइनस में 1, अब बटा में 4, आप बताइए इतना आया, फिर ये वाला घटाएंगे तो 3/16 में से 3/4 घटाएंगे तो ही हो जाएगा 16, आई हो जाएगा 3 − 4 = 12, 12 में से अगर 3 घटा रहे हैं तो कितना बचेगा 12 में से 3 9/16, आप बताइए क्या ये दोनों बराबर आ रहा है, इसके बीच का अंतर आया है -1/4, इसके बीच का अंतर आया है 9/16, तो ये जब एक जैसा नहीं आ रहा है, सार्व अंतर यानी सभी का अंतर, बीच का गैपिंग बराबर नहीं आ रहा है, तो हम तो कह ही नहीं सकते हैं कि ये एपी है, तो डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं जब ये कंडीशन आ गया, देखिए 1, 3/4, 3/16, 9/16 एपी नहीं है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है आखिर क्यों, तो क्योंकि इसका अंतर समान नहीं है,
ठीक है, आप इतना लिख सकते क्योंकि इसका अंतर क्या है, समान नहीं है। इसको मिटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ चेक किए हैं सिर्फ। ठीक है, बस ये वाला देखिए, पहला वाला ये था एक, ये बन गया, ये तीनों बन गया, और ये यही लाइन से सजा के लिखे कि एपी नहीं है क्योंकि इसका अंतर बीच का क्या है, समान नहीं है। तो लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट, बिना देर के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम एक नंबर क्वेश्चन की तरह बहुत ही मजेदार। कह रहा है मान लीजिए कि एक कुआं खोदना है, क्या खोदना है, मान लीजिए कि एक कुआं खोदना है, एक इनार यानी कुआं अगर खोद रहे हैं, तो कह रहा है कि प्रथम मीटर यानी एक मीटर अगर खोद रहे हैं, स्टार्टिंग में अगर यहाँ से एक मीटर खोद रहे हैं तो 150 रुपया लग रहा है। उसके बाद से आप प्रत्येक यहाँ पे बाद में प्रत्येक मीटर, उसके बाद से एक एक मीटर अगर खोदिएगा तो ज़्यादा पैसा लगेगा। देखिए कोई भी स्टार्टिंग काम की शुरुआत करने में ज़्यादा मेहनत लगता है, लेकिन वो काम जब शुरू हो जाता है ठीक है तो उसमें थोड़ा सा मेहनत कम लगता है, जब रनिंग में आ जाता है, रनिंग पकड़ लेता है। तो स्टार्टिंग में मान लो खुदाई हुआ होगा तो स्टार्टिंग में क्या ईटा खोआ भी तो हो सकता है, तो एक एक मीटर खुदाई में हालत खराब हो गया होगा, लेकिन जब नीचे खुदा गया तो नीचे तो सिर्फ मिट्टी मिलेगा, जल्दी जल्दी खुदा जाएगा। तो एक एक मीटर करके खुदा, मान लो ये एक मीटर हो गया, ये एक मीटर हो गया, ये भी एक मीटर हो गया, सब एक एक मीटर है, तो इसकी खुदाई में ज़्यादा पैसा लिया है शुरुआत में, 150 लिया है। और उसके बाद वाले बाबू खुदाई में क्या किया है कि अब एगो लिमिट हो गया कि भाई हर मीटर कितना रुपया लगेगा, 50-50 रुपया बढ़ते जाएगा, हर मीटर का 50 रुपया दीजिए, इसका 50 रुपया दीजिए इसका, लेकिन स्टार्टिंग में कितना लगेगा, 150 लगेगा। तो ये भी तो एपीए है, क्योंकि देखिए तो बढ़ कितना रहा है, 50-50 रुपया, यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं कि प्रथम मीटर की खुदाई में लगी लागत कितना है, 150। यहाँ लिखिए दूसरे मीटर की खुदाई में लगी लागत कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 150 आप प्लस 50 रुपया अधिका लगा है। ठीक है, ये स्टार्टिंग वाला है, ये 50 रुपया एक्स्ट्रा लगा है। तीसरा में लिख सकते हैं, तीसरे मीटर की खुदाई, ये इसका मतलब यही चीज़ लिख लीजिएगा, 150 प्लस 50, और फिर ये एक्स्ट्रा कितना बढ़ गया है, ये तो दोनों था 50 रुपया और बढ़ गया। तो आप बताइए ये हो गया 50 150, अब 50 ये हो गया कितना, 200, ये हो गया आपका कितना, 50 150 और 50 201 250। यहाँ एपी बना कि नहीं, एपी बराबर यहाँ पे पहले 150 लगा था, फिर 50 रुपये बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 200 हो गया, फिर 50 रुपये बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 250, फिर 50 रुपये बढ़ेगा तो कितना होगा, 300 रुपये हो जाएगा। ऐसे ही बढ़ते जाएगा, जितना कुआं गहरा खोदना है 50 रुपये बढ़ाते चलिए, पैसा कुआं खोदवाते चलिए। यहाँ देखिए अब कह रहा है कि भाई ये एपी है तो क्यों है, अरे है नहीं एपी, क्योंकि इसके बीच का अंतर यानी बीच का गैपिंग, सार्व अंतर, सार्व अंतर मतलब सभी का अंतर, इसका भी इसका भी इसका भी, उसी को सार्व अंतर बोलते हैं, बराबर है। जैसे कि ये डी निकालिएगा तो इसको क्या कीजिएगा, डी निकालते समय माइनस कीजिएगा, तो 200 में से ये D1 पहला है, D ये भी निकलता है, तो D बीच का अंतर को क्या बोलते हैं, D, तो 12-12 D है, तो इसको मान लो D1 D2 D3, ये एक नंबर वाला D है, इसमें 2 नंबर वाला D है, ये 3 नंबर वाला है। तो ये जब D पहला निकालिएगा तो 200 में से 150 घटाइएगा तो 50, 2 नंबर का निकालिएगा तो 250 में से 200 घटाइए, 250 में से 200 तो ये भी 50, D3 निकालना हो तो यहाँ पे 300 में से 250 घटेंगे तो भी 50, यानी कि सबका अंतर बराबर आ रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं सभी संख्याओं के बीच का अंतर समान है, इसलिए यह एपी है, समानांतर श्रेणी अर्थमैट्रिक प्रोग्रेशन है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर बिना देर किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 समझिएगा, आसान है। देखिए एक चीज आप ट्रिक के जरिए समझिए, अगर कहीं ब्याज देखिएगा, अगर आपसे बोले कि किसी भी पैसा, रुपया समझते हैं गांव में चलता होगा कि भाई हमको पैसे की बहुत ज़रूरत है, हमको ब्याज पर ही रुपया दे दो, ऐसा सुनने को मिलता है। तो अगर वो ब्याज पर दे रहा है ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट पर, तो वो तो एपी होगा, क्योंकि एक लिमिट रहेगा कि साल में इतना बढ़ेगा, हर साल 2-2 हज़ार रुपये बढ़ेगा, तो हर साल अगर 2-2 हज़ार एक जितना भी बढ़े, 200-200 रुपये भी बढ़े, तो एक लिमिट में बढ़ रहा है, हर साल कितना का इंक्रीज में, जिस तरह उसमें हर बार में 50-50 रुपये बढ़ रहा था, तो एक लिमिट
रहता है सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज में, यहाँ साधारण ब्याज में, कि हर साल 200 बढ़ेगा, वो तो एपी होगा। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज बोल दे तो वो एपी कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज ठोकना, चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। समझिएगा, आप किसी से 1000 रुपया कर्जा लिए, ठीक, तो 1000 कर्जा ले रहे हैं, तो जब 1000 आप कर्जा लीजिएगा तो एक साल के बाद 200 रुपया बढ़ा तो 200, फिर एक साल के बाद 200 बढ़ेगा, तो ये लिमिट में बढ़ रहा है, फिर 200 बढ़ेगा, तो ये मान लो कि 1000 था, अगला साल 1200 हो गया, फिर उसके बाद से 1400 हो जाएगा, फिर 1600, तो सब में 200 का गैपिंग है। इसका मतलब कि लिमिट में बढ़ रहा है। ऐसे ब्याज को कहते हैं साधारण ब्याज, यानी कि यही एसआई बोलते हैं, ठीक है। लेकिन पता है यही का हो जाता है, जब चक्रवृद्धि ब्याज बोलेगा तो मामला गड़बड़ा जाता है। कैसे? 1000 रुपया अगर मान लीजिए आप किसी से ले रहे हैं, ठीक है, तो एक साल के बाद कितना बढ़ गया? 200 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 200। तो अब जानते हो क्या करेगा, तो ये हो गया रुपया आपका कितना, 1200 हो जाएगा। अब 1200 पर ब्याज जुड़ेगा, पहले क्या करता था, ये 1000 पर बार बार ब्याज जुड़ाता था, 1000 पर 200 बढ़ा, फिर 200 बढ़ा, फिर 200 बढ़ा। लेकिन अब जानते हो क्या, 1000 पर बढ़ गया 1200, अब 1200 पर ही जुड़ेगा कि हम तुमको 1200 रुपया दिए हैं। इसमें होता है कि 1000 रुपया दिए हैं, ठीक है, हाई नहीं जुटेगा, लास्ट में जब सब देना होगा तो सब रुपया को जोड़ करके 1600 रुपया इसको दे देंगे, 3 साल में 1600 दे देंगे। लेकिन इसमें ऐसा ना होता है, 1000 है ना, तो अगर अगला साल 1200 हो गया तो इसका मतलब हो गया कि अब 1200 रुपया दे दिए, अब अगला 1200 रुपया पर ब्याज जोड़ा जाएगा, फिर जो जुटेगा उसमें। तो इस हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज ना ब्याज पर ब्याज लगता है, ठीक है, इसीलिए ये कभी भी एपी नहीं होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपका जो क्वेश्चन है, मान लीजिए, देखिए आपके क्वेश्चन में दिया है कि अगर 10000 रुपया आप किसी से ले रहे हैं ब्याज, यानी उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, पी बोलते हैं, कितना हजार रुपया, 10000 रुपया आपने किसी से ले लिया, ब्याज का रेट रहेगा, आर आपका रहेगा 8%, और टाइम 1 साल का लिए हैं, तो बताइए कितना ब्याज बढ़ा के दीजिए। 10000 रुपये ले लिए, 1 साल के बाद लौटाना है, लेकिन बोला है कि हम 8% ब्याज देंगे, तो देखिए कितना आपको देना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। एसआई बराबर होता है पीआरटी बटा 100, यानी पी गुणे आर गुणे टी बटा 100। अब ये बात की बात है कि पीआरटी बटा 100 कहाँ से आता है, ये आपको 7-8 में पढ़ना है, ठीक है। पी कितना है, 10000, आर कितना है 8, और 1 और बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये कितना हो जाएगा 800 रुपया। यानी कि अगर 10000 रुपया दिए ना, तो अगला साल 800 रुपया बढ़ा के देना पड़ेगा। तो जब 800 बढ़ा के दीजिएगा, ठीक है, तो कितना रुपया अमाउंट आपको देना पड़ेगा, 10000 तो जो लिए थे कर्ज वो, 800 ब्याज हमारा बढ़ गया, तो मिला जुला के 10800 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि 1 साल और रुक गए, 1 साल का हो गए और हो गए, तो 2 साल का देना पड़ेगा। तो देखिए ब्याज में, मतलब साधारण ब्याज में 10000 लेते हैं, लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज बोलेगा तो अब हाई रुपया ओरिजिनल रुपया हो जाएगा, अब इसको पी बोलेंगे। अब बताइए ना, पैसा हम ही लिए थे लेकिन देना पड़ा, अब ये बोला है कि अब जो ब्याज दिए वो बोला है कि अब ये मेरा रुपया हो गया ना, अब इस पर हम ब्याज जोड़ेंगे, इस पर बार बार नहीं जोड़ेंगे, तो पी हो गया, आर वही 8%, ये कितना हो गया, टी बराबर 1, तो हो जाएगा एसआई बराबर पीआरटी यानी कि 10 इतना गुणे 8, 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये गुणा कीजिएगा तो कितना होगा, 8 × 64, और ये 8 कितना बढ़ गया, 864, यानी कि फिर अमाउंट वापस कितना कीजिएगा, 10800 रुपया देना था, अब 864 रुपया और देना है। इस बार आप खुद सोच के देखिए कितना बढ़ा था इसमें, 800, दूसरी बार में कितना बढ़ा, 864, जबकि इसको बराबर बढ़ना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आपको बताया था कि उसमें 200 बढ़ रहा था, बराबर बढ़ेगा तभी ना सार्व अंतर, बीच का अंतर बराबर आएगा। यहाँ कभी 800 बढ़ रहा है, 864, इसके बाद और अलग बढ़ेगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से जब यही बराबर नहीं बढ़ रहा है, तो बराबर नहीं बढ़ेगा तो एपी नहीं है। अब आगे ज़्यादा लिखने की आपको जरूरत नहीं है, इसको जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 4, ये 6, 8, 16 के 6 में 1 और 1 इतना हुआ। आप नंबर देख सकते हैं, आपके पास था 10000 रुपये, फिर आपके पास कितना हो गया, 10800, फिर आपके पास कितना हो गया, 11664, ये मान लीजिए कि आपका एपी है। तो बताइए बीच का घटाइए का अंतर, तो ये समान नहीं है, इसलिए ये क्या है, इसलिए यह एपी नहीं है, क्योंकि इसका सार्व अंतर यानी सभी का अंतर समान नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो फिर आया है तो सेकंड नंबर क्वेश्चन 2 का 1-2 जो भी ये बनाने चलते हैं बिना देर की।
अब यहाँ दो नंबर क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत ही आसान है, याद कीजिए, स्टार्टिंग में ही हम बता दिए थे आपको एपी कैसे निकलता है। ये वाला होता है 2, 4, 6, 8 एग्जाम्पल दिए थे। पहला वाला होता है ए, दूसरा वाला होता है ए बी, ए बी ए, ए वन, ए टू, ए थ्री, यही सब ना होता है। आप बताइए बीच का अंतर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, बीच का गैपिंग 2 है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डी बोलते हैं। आपको हम बताए थे कि जब ए बराबर 2 पता है, आई ए टू निकालना है हमको, क्या निकालना है ये, तो कैसे निकलेगा, तो भाई ए में हम क्या करेंगे, डी को अगर जोड़ देंगे तो यहाँ पे निकल जाएगा। ए थ्री अगर निकालना हो तो ए में 2D को, 2 D को जोड़ेंगे, जैसे ए थ्री निकालना है तो ए कितना है 2 + 2, और डी का मान भी कितना है 2, तो 2 × 2 = 4, 2 कितना हो गया 6, बताइए 6 आया है कि नहीं। अगर ऐसे ही आपको बताए थे कि अगर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 नंबर पर निकालना है ए 10, क्या निकालना हो ए 10, तो आपको बताए थे ए में 9D जोड़ दीजिए, ए को कम करके डी जोड़ दीजिएगा तो 10 नंबर वाला निकल जाएगा, यानी कि 2 + ए, ए कितना है 2 × में डी कितना है, यहाँ देखिए ए है 2 + यहाँ 9D है, तो 9 × D = 2, तो ये हो जाएगा 2 + 9 × 2 = 18 + 2 = 20 हो गई, दोनों मिलाएगा कितना हो गया 20, यानी 10 नंबर पे क्या आएगा, अगर जाइएगा 2 का पहाड़ा पढ़ने तो 10 नंबर पे 20 आता है कि नहीं। तो यही तो यहाँ पे कह रहा है, ए और डी दोनों दे दिया है, और कह रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ पे जो भी एपी दिया है इसके प्रथम यानी फर्स्ट फोर्थ टर्म यानी शुरू से 4 पद निकालिए। एपी ऐसे होता है ना, एपी एपी बराबर 2, 4, 6, 8, तो 1, 2, 3, 4 पद इसमें है कि नहीं, इसी टाइप का निकालना है 4 पद आपको, ठीक है। तो जब ए बराबर दे दिया है तो पहला वाला एपी में क्या होता है, एपी में होता है ए। अब 2 नंबर पर निकालने के लिए इसमें ए में डी जोड़ते हैं। 3 नंबर पे अगर निकालना हो, 3 नंबर पे तो क्या जोड़ते हैं, ए में 2D जोड़ते हैं, क्योंकि 3 नंबर का बात है तो 2D, 4 नंबर का बात है तो ए में कितना जोड़ेंगे, 3D जोड़ेंगे। अब बस निकाल लीजिए इजी वे में, देखिए कैसे, अब बस निकाल लीजिए इजी वे में, यहाँ ए कितना है 10 और यहाँ हो गया 10 + D कितना है 10, यहाँ ए प्लस 2 × A कितना है 10 और ये भी हो जाएगा 10 और ये भी हो जाएगा a + 3 × 10, a का मान 10 भरो, ये हो गया आपका 10 + 10 और 10 कितना हो गया 20 + 10 × 20 और 10 = 30, ये हो जाएगा 10 × 30 और 10 = 40, ये 4 पद हो गया। यही 4 पद बोल रहा था कि एपी का 4 जो नंबर है वो निकालिए, तो 4 नंबर निकल गया। सेम ऐसे ये भी है, a बराबर दिया है तो लिखिए a, 2 नंबर में निकलना है तो a + D, a + 2D 3 नंबर का हो गया, ये लिखिए मत, बस समझिए। 4 पद निकालना है तो a + 3D, क्योंकि 4 निकालना है तो 3D, 12 नंबर पे निकालना होगा तो 11D लिखेंगे, ए को कम करके, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 2, यहाँ माइनस 2 प्लस में 0 होगा, यहाँ माइनस 2 अब प्लस 2 × 0, फिर यहाँ क्या होगा -2 + 3 × D का मान 0, तो ये भी -2 - 2 - 2 - 2। आप बताइए कि ये पूरा ये 4 पद निकल गया आपका -2, आई सब का अंतर 0 है, जब 2 में से -2 घटाइएगा तो 0 ही होगा, ये घटाइएगा 0 ही होगा, सब का अंतर बराबर है, इसीलिए ये भी एक प्रकार का एपी है, तो एपी ये भी निकल गया आपका। ये भी क्वेश्चन यहाँ दिया है, आप 3 नंबर क्वेश्चन को खुद बनाएंगे, 4 पद निकालेंगे, यहाँ हम आपको 4 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, 4 नंबर क्या कह रहा है, यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये भी तो सेम टू सेम है यार, ए 4 पद लिखना है ना बाबू, देखिए ए लिखिए, a + D लिखिए, a + 2D लिखिए, a + 3D लिखिए। अगर 10 पद बोलेगा तो क्या घबरा जाइएगा, नहीं घबराना नहीं है, 9D तक लिखेंगे, कहाँ तक लिखेंगे 9D तक। a = -1, यहाँ देखिए -1 + D = 1/2, ठीक, यहाँ देखिए a + 2 × D = 1/2, आ ए कितना है तो माइनस में 1 है, और यहाँ हो जाएगा -1 + 3 × D = 1/2। आप प्यार से बनाइएगा, घबराइएगा मत, एग्जाम में आप मिस्टेक कीजिएगा फिर आपको मिस्टेक का मतलब खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यहाँ देखिए -1 हो गया, ये बट्टा का जोड़ घटाव कर लीजिए, तो ये जब बट्टा का जोड़ घटाव कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका -2 और 2 में से 1 जगह तो -1/2, इतना हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ देखिए 2 से 2 कट गया तो -1 बचा, और यहाँ +1 बचा, +1, और यहाँ देखिए -1 और +3 है, कितना हो जाएगा 3/2,
दो हो जाएगा, माइनस वन ये हो जाएगा एक बट्टा दो, वन में से वन जाएगा जीरो, ये हो जाएगा दो, ये हो जाएगा आपका एक बट्टा दो। इसका बट्टा का घटाव करके आप देखिएगा वन बटा टू है। बताइए ये एपी हुआ है कि नहीं, ये भी तो एक प्रकार का एपी हुआ, चार गो पद निकालना था, चार गो निकाल गया। 50 बार अगर टर्म निकालना हो तो वो निकल सकता है, क्योंकि आपको बस आराम से बनाना है, किसी प्रकार की घबराहट की जरूरत नहीं है। तो बिना देर किए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस 3 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये तो मिनटों सेकेंडों में बन जाएगा। क्या बोल रहा है कि जो भी यहाँ पे एपी दिया गया है उसका प्रथम पद यानी पहला वाला नंबर और सर्व अंतर बीचवा में कितना का गैपिंग है यानी अंतर है वो निकालना है। तो सब कोई जानता है पहला वाला नंबर ए है, तो प्रथम पद कितना हो गया, प्रथम पद आपका हो गया 3, यानी कि इसको ए भी बोलते हैं। और उसके बाद से क्या बोला है, इसका सर्व अंतर भी लिखना है। तो डी कैसे निकलता है, तो इसमें से ही घटा दीजिए, 1 में से 3 को घटेगा तो माइनस में 2। एक चीज ध्यान रखिएगा, 3 में से 1 कभी मत घटाइएगा। क्या घटाना है आपको, ये पीछे घटाना है यानी कि आगे वाला नंबर से ये वाला, तभी तो बीच का अंतर पता चलेगा। तो ये भी हो गया आपका। 2 नंबर में देखिए, a बराबर हो गया माइनस में 5 पहला पद हो गया, d निकालना है तो माइनस 1 में से घटाना है, क्या घटाना है, माइनस में 5 घटाना है। ठीक है, तो जहाँ 2 को माइनस रहता है तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए ब्रैकेट लगा दिए। माइनस 1 माइनस माइनस हो गया, प्लस ये हो गया कितना आपका 4, डी बराबर कितना हो गया 4। इस सब के बीच का अंतर कितना है, 4 का है। भरोसा नहीं तो एक बार और देख लीजिए, इसमें देखिए तो 3 में से क्या घटाना है, माइनस 1 घटाना है, तो 3 माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, ये भी 4, इसके भी बीच का अंतर कितना है 4 है, तो डी बराबर 4 हो गया और पहला पद हो गया 5। यहाँ भी देखिए, यहाँ तो डायरेक्ट दिख रहा है भाई, सब तो 3 नीचे है, इसको हटाओ, इसके बारे में नहीं सोचना है। अब बताइए कितना का अंतर है, 4 का अंतर है, इसमें भी 4 का अंतर है, इसमें भी 4 का अंतर है। तो ए पहला वाला ए बराबर कितना हो गया, तो ए बराबर आपका हो गया कितना, 1/3। ठीक है, और d बराबर कितना हो गया, तो 5/3 में से 1/3 घटाओगे तो कितना होगा, यहाँ पे 4/3 हो जाएगा। ये 3 तो रहे तो सबसे नीचे है। ठीक है, ये भी बहुत आसान है, जब इसको घटाइएगा तो आएगा 1.1, इसको भी घटाइएगा तो आएगा 1.1, इसको भी घटाइएगा तो 1.1, यानी सब के बीच का अंतर क्या है 1.1, बीच के अंतर को बोलते हैं हम लोग d, तो d बराबर हो जाएगा 1.1। ठीक है, और a बराबर कितना है, तो a ऊपर लिख देते हैं पहला वाला को a कहते हैं, तो हो तो गया, a भी निकल गया और d भी निकल गया। तो ये भी आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आया होगा। देर नहीं करे, शेयर करते रहिए। ठीक है, बिना देर के हम लोग 4 नंबर देखते हैं। अब यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्या बोल रहा है कि ये जो भी दिखा है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर एपी, इनमें से कौन एपी है। तो एपी पहचाने का तो तरीका हम बता ही चुके हैं, क्या होता है पहचाने का तरीका, अगर बीच का अंतर जैसे 2, 4 है, 4 के बाद 8 है, बीच का अंतर अगर बराबर होगा तो उसी को कहते हैं समानांतर। अगर समान अंतर होगा, बीच में जो गैपिंग होगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 2 है 4 है, अब 12 लिख दिए, तो यहाँ है 2 गो का गैपिंग, लेकिन यहाँ तो बहुत जगह, यहाँ पे 8 गो का गैपिंग है, 8 और 4 बराबर होता है, तो कहाँ बीच का गैपिंग बराबर होना चाहिए। बीच का गैपिंग अगर 2 रहता तो इसी को कहते हैं कि हाँ ये एपी है। ठीक है, तो यहाँ पहले हम लोग देख ले कि कौन एपी है, और उसके बाद कह रहा है कि अगर एपी पता चल गया तो उसका सर्व अंतर निकाले, यानी बीचवा में कौन गो नंबर का अंतर है, कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं। फिर जब ये भी निकल जाएगा तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 गो ना नंबर लिखा है, 3 गो और पद इसमें जोड़ देना है। ठीक है, और 3 गो अपने से एक्स्ट्रा, तो वो बता चुके हैं, तो फिर पहले चेक कर ले एपी है कि नहीं। तो ए बराबर कितना है, 2, डी बराबर कितना है, तो इसमें से ये घटाओगे, ठीक है, तो कितना बचेगा, पहले डी ही निकालो, इसमें से घटाओगे डी बराबर, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, यहां से भी घटाओगे तो वही, यहां भी गैपिंग बराबर और यहां भी गैपिंग बराबर होना चाहिए, तो ये 8 हो जाएगा। तो ये D1 हो गया, ये D2 निकाल रहे हैं, तो 8 में से जब 4 घटाएंगे तो कितना होगा 4, ये D3 तीन नंबर वाला D निकालते हैं तो 16 में से 8 जाएगा 8। आप बताइए कि क्या सब D का वैल्यू बराबर आया है, लेकिन एपी का तो रूल है कि सभी डी का वैल्यू, बीच का गैपिंग सबका क्या आना चाहिए बराबर, उसे एपी कहते हैं। ये तो बराबर आया ही नहीं, तो लिख दीजिएगा सार्व अंतर, यानी कि कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर बराबर नहीं है, इसलिए यह एपी भी नहीं है।
ठीक है, हो गया इसका आंसर। तो जब एपी है ही नहीं तो कहाँ निकालना है उसका डी, और कहाँ निकाले तीन ठो और टर्म, वो नहीं निकाला जाता है। जब एपी होगा तभी वो डी निकालना है। बताइए ना डी क्या भरिएगा, दो भरिएगा, चार भरिएगा या आठ भरिएगा, कॉमन एक ही होना चाहिए, उसी को तो डी यानी सार्व अंतर कहते हैं। सार्व मतलब सभी का अंतर समान होना चाहिए, तो ये तो होगा ही नहीं, इसको हटाओ, ये एपी नहीं है। सेकेंड नंबर वाला देखते हैं, सेकेंड नंबर वाला एपी है कि नहीं, इसको हटाओ। यहाँ देखिए ये वाला एपी समझने के लिए ए बराबर दे दिया है कितना, पहले डी निकाल लीजिए, ये दोनों का गैपिंग हुआ बीचवा का बराबर होना चाहिए, ठीक है ये दोनों का। तो पहले इसमें से ये घटाइए, एक नंबर डी, पांच बटा दो। एक चीज याद रखिएगा, डी निकालने के लिए डी वन ए टू, ये तो दो नंबर पे है ना, ये भी ए है ये भी है, एक नंबर वाला ए, एक दो नंबर वाला ए, ये तीन नंबर, ये चार नंबर है, चार गो है तो चार तक होगा, ठीक है। तो ए टू में से ए वन को घटाते हैं तो डी निकलता है, ठीक है। तो डी बराबर पांच बटा दो में से तनी दो घटा के देखो तो जब घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, पांच माइनस चार हो जाएगा, पांच में से चार जाएगा कितना हो जाएगा एक बटा दो, इसका गैपिंग एक बटा दो, इसका भी घटा के देखो, तीन में से पांच बटा दो घटा के देखो, तीन दूना छ, डायरेक्ट घटाना सीखिए, तीन दू दू तीन छः में से पाँच जाएगा तो कितना होगा, छः में से पाँच जाएगा एक बट्टा में दो, इसका भी गैपिंग एक बट्टा दो, इसका थोड़ा सा गैपिंग देखो, ये दोनों के बीच का कितना है, तो सात बट्टा दो में से लास्ट में से इसको घटाते हैं तीन, तो ये हो जाएगा तीन दूना छ, और सात में से जब छः को यहाँ छः हुआ था ना, सात में से छः हो जाएगा तो होगा एक, अब बटा में हो जाएगा दो, तो ये भी हो गया एक बटा दो, यानी कि यहाँ पे सबका अंतर बीच का बराबर है। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं d बराबर, a बराबर तो आपका पहला वाला a होता है दो, और d बराबर आया था एक बटा दो। तो कह रहा है कि जब ये AP है, ये क्या है बाबू, AP है, तो जब AP है तो एक दो तीन चार गो नंबर है, तीन गो और पद टर्म बोल रहा है लिखने के लिए, तो आसान है ना तीन गो और लिखना, एक दो तीन चार पांच नंबर लिखो, छ नंबर है सात नंबर वाला, तो पांच नंबर वाला लिखना है तो क्या बताए थे ट्रिक, ए प्लस पांच नंबर है तो चार डी वाला फॉर्मूला यही है, ठीक है। अगर छ नंबर वाला लिखना हो तो क्या कीजिएगा, ए प्लस फाइव डी, ए को कम करके लिख देना, सात नंबर वाला लिखना हो तो ए प्लस सिक्स डी, ए कितना है दो, अब प्लस फोर इंटू डी का वैल्यू एक बटा दो, कटाइएगा तो दो दूना चार, दो आ दो चार हो गया, कितना हो गया ये चार हो गया। उसी तरह से ये भी हो जाएगा, ए है आपका कितना दो, आ प्लस फाइव इंटू डी कितना है, तो डी आपका एक बटा दो है, तो ये हो जाएगा दो प्लस पाँच बटा दो, दो दूना चार आ पाँच कितना हो जाएगा नौ बटा दो, ये वाला कितना हो गया नौ बटा दो, तो एक हो गया आपका चार, दूसरा हो गया आपका नौ बटा दो, ठीक है। अब तीसरा आपको खुद पता कीजिए, जब दो था तीन था चार था तो ये गारंटी है कि पाँच होगा, सिंपल ये भी तोड़ के देख लीजिए ना, दो प्लस सिक्स इंटू एक बटा दो, दो तिया छः, तीन है दो कितना हो गया पाँच, अपने से अंदाज मिला सकते हैं पाँच होगा, तो ये तीन गो एक्स्ट्रा हम लिख दिए, क्योंकि ये क्या था एपी था, क्योंकि सार्व अंतर सब में एक बटा दो था, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ समझिएगा, ये एपी है कि नहीं पहले ये बताइए, ठीक है। तो पहले चेक तो कर ले एपी है कि नहीं, डी वन बराबर निकाल के देखिए, 32.2 में से क्या घटाना है 1.2 घटाना है, तो 3.2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1.2, दो आ दो हो गया नहीं माइनस ही होगा, दो में से दो जाएगा हो जाएगा आपका जीरो, और तीन में से एक जाएगा तो दो, माइनस में 20 आया, इसके बीच का अंतर कितना आया माइनस में 20 आया। जब इसके बीच का अंतर बाबू माइनस में, तो इसका भी वही आना चाहिए, तो ये भी घटा के देखते हैं D2, तो D2 घटा के देखेंगे तो हो जाएगा 5.2 में से क्या घटाना है, घटाना है 3.2 माइनस 5.2, माइनस और माइनस दो जगह एक ही जैसा चीज रहता है, तो प्लस 3.2, दो में से दो जाएगा तो हो जाएगा जीरो, और पाँच में से तीन जाएगा तो दो, ये भी कितना हो जाएगा माइनस दो ही आएगा। 20 क्या होता है, मतलब यहाँ पे पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, तो ये भी माइनस टू हो गया, ये भी माइनस टू, लग रहा है कि इसके बीच का अंतर बराबर है, यानी कि बीच का डी कितना निकल रहा है, डी बराबर हो रहा है माइनस में टू, जीरो पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ पे यह क्या है, यह ए पी है। तो जब ए पी है तो और इसमें क्या कर देना है, आगे नंबर तीन को जोड़ देना है, तो वो जोड़ने के लिए क्या कीजिएगा, फॉर्मूला बताए थे और नहीं तो दिमाग काम कर रहा है, तो आपको पता है ही ए बराबर कितना था,
1.2 और डी बराबर अभी घटाए थे तो था माइनस में 2 था, ठीक है। तो आगे वाला नंबर देखिए यहाँ पे था कितना 1.2, यहाँ पे 3.2, यहाँ पे 5.2, कितना कितना बढ़ रहा है दिमाग लगाओ, एक था 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो जाहिर सी बात है कि साइड वाला 3 को नंबर 9 हो जाएगा, 9.2, उसके बाद से 11.2 क्योंकि दूध को बढ़ रहा है, यहाँ पे देखो इस वाले नंबर को एक है, एक ये तो सब सेम है पॉइंट के बाद, 1, 3, 5, 7 तो 9, 11 आ एक हो जाएगा 13.2, सब माइनस में, तो 3 को ये एक्स्ट्रा नंबर हुआ, एक ये और एक ये, तो 3 को निकल गया आपका सार्व अंतर यानी डी भी माइनस 2 निकल गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आया होगा 3 नंबर। 4 नंबर पहले पता करें एपी है कि नहीं, तो माइनस करके देखते हैं, -6 में से क्या घटाना है, डी निकालना है, तो माइनस में 10 घटा लेना है, तो हो जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस 10 4 हो गया, एक और डी 4 आया, ये भी डी अगर 4 आया तो समझ जाएगा क्या है एपी है, तो हो जाएगा यहाँ पे डी एक और निकालिए D2, तो -2 में से घटाना है माइनस में 6, तो ये हो जाएगा -2 ये प्लस 6, घटाने के बाद क्या आएगा 4 आएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। ऐसा अब लग रहा है, ठीक है, कि जब दोनों का अंतर 4 है तो यह क्या है, यह एपी है, तो जब एपी है तो आगे वाला और नंबर लिख देना है, ठीक है। तो 10 के बाद यहाँ घटा है, ठीक है, तो कितना का अंतर है, 4 का अंतर है, तो इसके बाद वाला नंबर कितना होगा, तो 4 जोड़ दीजिए, 3 को और लिखना है तो 4 जुड़ेगा तो 6 होगा, फिर यहाँ पे 6 में 4 जुड़ेगा तो 10 होगा, 10 में 4 जुड़ेगा तो 14 होगा, 3 को यही एक्स्ट्रा नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आप 5 नंबर समझिएगा यहाँ क्वेश्चन, देखिए ये एपी है कि नहीं, घटा के देखिए, तो घटा के देखिएगा तो ये हो जाएगा डी, पहला निकालिएगा 3+√2 में से 3 घटा लीजिए, 3 से 3 खत्म हो गया, बचा √2, इसके बीच का अंतर √2 बचा, ये भी अगर उतना ही बच गया तो एपी है, 2 ही पर चेक कर लीजिए, D2 निकालिए, 3+√2 में से क्या घटाना है, ये 3+√2, तो ये प्लस में 3 और माइनस में 3 कट गया, और 2√2 में से 1√2 चला जाएगा तो √2 बचेगा, ठीक है, यानी ये भी क्या हो गया √2। अब देखिए तो बीच का अंतर इसका भी उतना ही आएगा, सब बराबर है, इसका मतलब कि यह क्या है, यह एपी है, यह एपी है, तो आगे वाला 3 और एपी निकाल लेना है, यानी 3 टर्म और निकाल लेना है। सोच के देखिए 1, 2, 3, 4 यानी कि ये A4 है, तो A5 लाना होगा तो एक काम कर सकते हैं कि नहीं, 2-3 तरीका से, अगर A5 लाना हो तो फॉर्मूला होता है A+4D, अगर A6 लाना होता है 6 नंबर का तो 5D कर देते हैं, और नहीं तो एक और उपाय है, एक और ट्रिक है, आप बताइए जब आपको 4 तक पता हो गया तो आगे वाला नंबर क्या चाहिए, कितना बढ़ना चाहिए, जो डी है वही ना बढ़ना चाहिए, क्योंकि बीच में कितना का गैपिंग रह रहा है, यहाँ पे √2 का, तो अगर A5 निकाल रहे हैं आप A5, तो ये भी तो लिख सकते हैं, इसमें खाली √2 जोड़ दीजिएगा तो अगला वाला नंबर फिर घटाइएगा तो ये आ जाएगा, ये भी तो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बीच का गैपिंग कितना है, सब जगह √2 है, तो इसमें ही जोड़ने पर आगे वाला मिल रहा था कि नहीं, तो इसी में जोड़ दिए तो ये मिल गया, तो इसमें भी √2 जोड़ दीजिएगा तो आगे वाला नंबर मिल जाएगा। तो A5 निकालने के लिए हम A4 में D भी तो जोड़ सकते हैं, A4 ये है, इसमें D भी जोड़िए तो A5 निकल जाएगा, A4 था 3+√2 और D जोड़ दो √2 तो 3+√2 और यहाँ पे कितना है एक होता, 3 और 1 कितना 4√2 हो जाएगा, यहाँ पे अगर अगला नेक्स्ट A5 हो गया 4√2, A6 निकालना है तो A6 निकालना है तो A5 में D जोड़ दीजिए, ठीक है, तो A5 में जब D जोड़े तो A5 है 3+√2 में √2 अगर जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 3+5√2, अगर A7 निकालना है, ठीक है, तो यहाँ क्या कीजिएगा A6 में, ठीक है, जो 6 आपका निकला है उसमें D जोड़ दीजिए तो A6 है 3+5√2 और इसमें D है √2 तो हो जाएगा 3+6√2 हो जाएगा, ठीक है, दोनों में अगर कॉमन निकल रहा है तो निकाल दीजिए 3 तो हो जाएगा यहाँ पे कितना 1+3 × 6 2√2 यहाँ 2√2 हो जाएगा 2 ऐसे भी हो जाएगा और नहीं तो इतना ही ठीक है। तो बताइए ये 3 को टर्म एक्स्ट्रा हुआ कि नहीं, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ देखिए 6 नंबर क्वेश्चन एपी है कि नहीं एक बार चेक कर लें, इसका स्क्रीनशॉट बनाने के बाद आप लेते रहिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए बीच का गैपिंग अगर बराबर हुआ तो एपी है, घटा के देखते हैं 0.22 में से घटाना है क्या 0.2,
तो जब घटाइएगा तो दो में से दो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा आपका कितना 0.22 में से 0.2 घटाना है ऐसे, तो दो हो जाएगा जीरो हो जाएगा, यानी कि आपका आया इतना। अब एक बार इसमें से घटा के देखिए D2 घटाइए तो 0.0222 में से क्या घटाना है -0.22, तो जब ये घटाइएगा आप 222 में से 22 तो ये हो जाएगा 200 पॉइंट, यहाँ कितना आया 0.002। यही पे आप देखना लीजिए ये दोनों बराबर आया है, बीच का अंतर बराबर नहीं है, तो यह एपी भी नहीं है, ये एपी भी तो नहीं है क्योंकि बीच का अंतर क्या है बराबर नहीं है। उसी प्रकार इसको भी चेक कर सकते हैं, ये घटा करके इसको भी चेक कर सकते हैं, अगर एपी है तो आगे वाला तीन नंबर लिख देना है, ये डायरेक्टे दिख रहा है कि एपी नहीं है क्योंकि यहाँ घटाइएगा तो 2 का अंतर है, यहाँ हो गया है 6 का अंतर, इस 27 तो लग रहा है 18 का अंतर है, तो ये तो कभी ज़िंदगी में एपी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से आप सभी क्वेश्चन को बनाइएगा, और जो क्वेश्चन आपके दिमाग में डाउट चल रहा होगा उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि हमसे ये क्वेश्चन डाउट चल रहा है बाबू, हर स्टेप हम लोग कोऑपरेट करने के लिए आपको तैयार हैं, क्योंकि नंबर बेहतर लाना है आपको, आपको अपने एरिया में दी वेस्ट करना है, तो अभी मेहनत भी दी वेस्ट तो करना पड़ेगा ना। तो फिर हम लोग अगले एक्सरसाइज में मिलेंगे 5.2 के साथ, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।